फोरलेन लोक कोटी का आमरण अनशन आज 17वें दिन कुछ मांगों के मानने पर खत्म किया गया। जिला उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने आमरण अनशन पर बैठे राजेश पठानिया व अशोक पठानिया को जूस पिलाकर आमरण अनशन को खत्म करवाया। फोरलेन लोक कोटी का आमरण अनशन आज 17वें दिन कुछ मांगों के मानने पर खत्म किया गया। जिला उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने आमरण अनशन पर बैठे राजेश पठानिया व अशोक पठानिया को जूस पिलाकर आमरण अनशन को खत्म करवाया। राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि पीछे एनएच के लिए नोटिफिकेशन हुई थी और किन्हीं कारणों से उसे रोका गया। इसी वजह से काफी लोगों ने नई जमीनें खरीदने के लिए बैंक से लोन लिए हुए थे और उनकी जमीनें मोड केस थी, उसको लेकर काफी इशू हुए। यही वजह थी कि यहाँ पर लोग अनशन पर बैठे हुए थे। इनकी मुख्यतः दो मांगे थी कि बैंक से उनको सहूलियत दी जाए और एनएच की तरफ आए भी वायदा चाहिए था कि अगर जमीनें उनसे खरीदी जाए तो जो पुराने रेट थे उसी से 12% ब्याज के हिसाब से लिए जाए। ये दोनों मांगे जो एजेंसी थी उसके माध्यम से पूरा करवाया गया। जैसे कि आपको पता होगा कि पीछे एनएच के लिए नोटिफिकेशन हुई थी और किन्हीं कारणों से उसको रोका गया और इसी वजह से बहुत सारे जो लोग थे यहाँ पे नई जमीनों खरीदने के चक्कर में उन्होंने बैंकों से लोन लिए हुए थे और उनकी जो जमीन जो थी जो एनएच में आने वाली थी मॉर्टगेज थी, तो उसको लेकर काफ़ी इश्यूज़ हो गए कि बैंक्स में एनपीएस हो गए और यही वजह थी कि कुछ लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए थे। और उनकी मुख्यतः दो मांगे थी कि जो बैंक से उनको कुछ सहूलियत दी जाए ताकि जो उनका अकाउंट एनपीए हो गया है उसकी पेमेंट में उनको सहूलियत मिले, और साथ ही एक एनएच की तरफ से भी उनको ये वादा चाहिए था कि अगर ज़मीनें उनसे खरीदी जाएँ तो जो पुराने रेट्स थे उस पर ही 12% के ब्याज के हिसाब से ली जाए। तो ये दोनों कमिटमेंट्स दोनों जो एजेंसीज थे उनके माध्यम से पूरा करवाया गया और आज अनशन को तोड़ा गया।